दोस्तों, गुलदाउदी का पौधा इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और गुलदाउदी सभी को पसंद होती है क्योंकि ये गार्डन में जब इसके फूल खिलते हैं तो गार्डन पूरा गुलदाउदी के फूलों की खुशबू से महक जाता है। तो आज मैं आपको गुलदाउदी के पौधे की देखभाल किस प्रकार से करेंगे वो बताऊँगा, जिससे कि इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी और आपका जो गमला, जो एक गमला भी होगा, वो अच्छे फूलों से भर जाएगा। और इसमें कौन कौन सी खाद और कैसे खाद का प्रयोग करना है और इस पौधे से अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए इसकी पिंचिंग जो की जाती है वो किस प्रकार से करते हैं वो सारी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। गुलदाउदी का जो पौधा होता है वो आप कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। इस समय भी आप अगर इसकी कटिंग लगाएंगे तो ये अक्टूबर का महीना चल रहा, आपकी कटिंग 1 महीने में ग्रो हो जाएगी और इसमें फ्लावरिंग अच्छी हो जाएगी। तो इसकी कटिंग जो लगाते हैं, जैसे ये दिख रहा होगा आपको ये हिस्सा, इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। इसको यहाँ से कट करेंगे और उसको आप रेत वाली मिट्टी में लगा दीजिए। जैसे देखिए मैंने जो ये पौधे लगाए हैं ये रेत वाली मिट्टी में लगाए थे, ये देखिए कटिंग ये ग्रो हो गई है। ये मैंने करीब हो गया इनको करीब 20 दिन हो गए करीब, और देखिए कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है। और कुछ पौधे मैंने देखे यहाँ भी लगा रखे, ये अभी 2-3 दिन पहले ही कटिंग लगा रही थी। और ये कुछ पौधे जो छोटे हैं ये कटिंग के थ्रू मैंने ग्रो करे थे, और ये जो ये बड़े पौधे दिख रहे हैं आपको, ये मैंने ये जो मदर प्लांट था ये वो है मदर प्लांट को मैंने इसके कटिंग के थ्रू ये ग्रो कर रखे हैं, ये छोटे पौधे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें जो है कौन से गमले में लगाया जाता है इसको। अगर आप गुलदाउदी का पौधा 8 इंच से ऊपर के गमले में लगाएंगे तब इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि गमला जितना बड़ा होगा उसमें इतने ज़्यादा फूल आएंगे। ये जो मैंने पौधे छोटे गमलों में भी लगा रखे, देखिए ये जब इसमें रूट पूरी बॉन्ड हो जाएगा उसके बाद मैं इसको दूसरे पॉट में लगाऊंगा, क्योंकि ये छोटे पॉट में कम फ्लावरिंग करता है। इसलिए आप कभी भी गुलदाउदी का पौधा लगाते हैं तो इसको 8 इंच से कम ऊपर के पौधे वो पॉट में लगाएं, कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में लगाएंगे तब इसमें जो है गमला भर के फ्लावर आएंगे। तो ये तो होगी पॉट की बात। उसके बाद इसमें जब आप जैसे देखिए जैसे पौधा छोटा है, ये पौधे में अगर आपको इसको ग्रोथ अच्छी देनी है, जैसे इन पौधों में आगे देखिए कितने बड़े हो गए हैं, तो ये पौधे में अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहले तो आप इसमें इसको 4 से 5 घंटे की धूप दिखाइए। गुलदाउदी का पौधा इस समय जो है ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। अगर इस समय इसको धूप मिलेगी तो अच्छी, तो इसमें जो है फंगस वगैरह भी नहीं लगेगा और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो पाएगी। तो सबसे पहले तो आप इसकी पौधे की जैसे देखिए 1 से 2 इंच की आप इसकी गुड़ाई कर दीजिए। कोई भी गुलदाउदी का पौधे में अगर खाद देते हैं तो उसमें 1 से 2 इंच की गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। 1 से 2 इंच की गुड़ाई करने के बाद इसमें आप जो खाद देंगे वो है गोबर की खाद। गोबर की खाद या आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल खाद हुई, ये इसको आप देंगे तो इससे अच्छी ग्रोथ होगी। केमिकल खाद जो है कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद जो उसकी मिट्टी है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए आप केमिकल खाद का को अवॉइड करें। ये देखिए जैसे मैंने गोबर की खाद है, ये मैं कट्टे में लाया था एक गोबर की खाद, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या आस पड़ोस में कहीं गाय भैंस वगैरह हैं तो वहाँ से आप जो गोबर की खाद है वो ला सकते हैं। और गोबर की खाद ऐसी होनी चाहिए कम से कम 1-1.5 साल पुरानी, जो फुली डिकम्पोज होती है वो खाद आप यूज करेंगे। जब आपने इसकी गुड़ाई कर दी, देखिए एक पौधे की मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद इसमें इस प्रकार से 1 से 2 मुट्ठी करीब, आधा किलो करीब, आधा किलो आप गोबर की खाद एक पौधे में आपकी लग जाएगी। उसके बाद इसको अच्छे से मिला दीजिए। ये आपने गोबर की खाद दे दी। उसके बाद मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, जो इसमें पोटेशियम के स्रोत होता है जिस खाद में, उसको आप देंगे तो इसमें अच्छी जो है फ्लावरिंग भी आप आने वाले समय में ले पाएंगे। ये देखिए मैंने कुछ ये बना रखा है ये पाउडर, ये चाय पत्ती और केले के छिलके जो होते हैं उनको सुखाकर उसको ग्राइंडर में पीस के पाउडर बना रखा है। ये चाय पत्ती देखिए मैं जैसे सुखा देता हूँ, उसके बाद इसको ग्राइंडर में पीस के ये खाद के रूप में रखे रहता हूँ। ये देखिए ये केले के छिलके भी हैं, ये भी सुखाए हुए हैं, ड्राई हैं पूरे। आप कच्चे केले की छिलके की खाद देंगे तो उसमें फंगस आने का डर रहता है। अगर आप कच्चे केले के छिलके इसमें अगर खाद के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं उसका। अगर कच्चे केले के छिलके आप डायरेक्ट अगर पॉटिंग सॉइल में डालेंगे तो आपके पौधे में जो जड़ों में फंगस आने का डर रहता है। तो आप इसको जैसे मैंने देखिए ये
खाद जो दोनों मिक्स करके पीस रही है। इसमें चाय पत्ती में क्या है, अदरक भी यूज करते हैं हम। अदरक का भी आपको दिख रहा होगा, या अदरक का भी बुरादा है। अदरक में भी कई प्रकार के मिनरल्स और पोटेशियम वगैरह और कैल्शियम पाया जाता है, जिससे कि पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी। ये खाद बहुत अच्छी पावरफुल होती है और इससे कम से कम 8-10 दिन में आप अच्छे ग्रोथ ले लेंगे। तो ये खाद देखिए, एक मुट्ठी एक खाद भी डाल रहा हूँ मैं आपको, केले के छिलके और अदरक की जो अदरक और चाय पत्ती की जो पिसा हुआ है उसकी खाद डालेंगे आप इसमें इस प्रकार से। ये मैंने देखिए ये पाउडर बना के रख रखा। ये जो पाउडर है ये मैं हर पौधे में यूज करता हूँ, क्योंकि ये खाद जो होती है नेचुरल होती है, इसमें कोई केमिकल नहीं हुआ है। चाय पत्ती और केले के छिलके आपने सुना ही होगा, इसकी खाद जो होती है अच्छी होती है। इसको अगर पाउडर फॉर्म में यूज करेंगे तो और ज़्यादा फायदेमंद रहेगी ये। तो इसको आप इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद इसमें क्या करना है, आपने जब पानी देते हैं आप इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए दोस्तों। इसमें पानी डालने के बाद आप इसको जो है धूप में रखिए, क्योंकि ये धूप में ही पौधा अच्छा होगा। और धूप में इसमें जो है कीड़े वगैरह लगते हैं, जो काले स्पाइडर माइट्स वगैरह जो लग जाते हैं इसमें, और जो मिली बग्स वगैरह लग जाते हैं काले रंग के, वो नहीं लगेंगे। धूप में रहेगा तो पौधा स्वस्थ भी रहेगा। तो मैंने पौधों में देखिए ये वाले इसमें भी यही खाद का यूज़ करा था, और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो अब मैं आगे आपको बताता हूँ, जैसे आपने पौधे में ज़्यादा फूल लेने हैं तो आपके लिए उसके लिए ब्रांच भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे देखिए इस पौधे में कितनी अच्छी ब्रांच आई हैं, ये मैंने पिंचिंग कर दी थी, उसके बाद का रिजल्ट है। पिंचिंग मतलब आप अगर आपका पौधा जैसे छोटा पौधा है, इसमें देखिए एक ही ब्रांच दिख रही होगी आपको पूरी नीचे से ऊपर तक, ये वाले पौधे में भी पूरी एक ही ब्रांच है। तो अगर आप इसमें फूल अच्छे चाहते हैं तो देखिए, जैसे ये टॉप का एरिया है, ये टॉप का एरिया जो जहाँ पर से नई ग्रोथ आती है, इसको पिंच कर दीजिए, मतलब इसको तोड़ दीजिए। टॉप का एरिया तोड़ेंगे तो इसमें से नीचे से 2-3 ब्रांच और आ जाएंगी, जिसमें फूल अच्छे खिलेंगे। और इसकी पिंचिंग जो है आप 2 बार कर सकते हैं। जैसे एक अभी पिंचिंग कर दी है, उसके बाद इसमें नीचे से जो 2 ब्रांच आएंगी, अगर उसमें भी पिंचिंग कर देंगे तो आपकी जो पौधे की ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी और घना हो जाएगा इसी प्रकार से, और पौधे में आप अच्छी फ्लावरिंग ले पाओगे। दोस्तों इसमें पिंचिंग तब करनी है जब इसमें बर्ड्स नहीं आती हैं। अगर इसमें बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी तो आप उसकी पिंचिंग मत करिए। तो उससे पहले अगर आप पिंचिंग कर देंगे तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे आप। दोस्तों इस प्रकार आप गुलदाउदी के पौधे में अच्छी फूल ले सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने देखी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इन पौधों में, उस प्रकार से अगर आप भी अगर अच्छी पिंचिंग वगैरह इसमें खाद अच्छी देंगे तो इसमें अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे। और जो ये खाद मैंने आपको बताई है, ये आप दोबारा यूज करेंगे जब इसमें बर्ड्स आने स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप इसको दोबारा यूज कर सकते हैं इस खाद को। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, आप शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, क्योंकि गुलदाउदी का मौसम है। गुलदाउदी अगर कई लोगों ने लगाई होगी तो उसमें खाद कौन सी दें, वो उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल में मैंने बताया है। धन्यवाद।